জ্ঞানব্যাপী মামলাৰে হিন্দু আৰু মুছলমান সম্প্ৰদায় মধ্যৰে বাদ চালি বা এখন মছজিদ কয় বাৰ বুলি কৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ এন এন আই কু একাৎকাৰে একথা কয় সৈতে জ্ঞানব্যাপী ভিতৰত ত্ৰিশূল কণ কৰাৰ গোটেই জ্যোতিৰ্লিংগ আৰু দেৱাদেৱী মানে অহা হিন্দু মানে ৰখি নাহি তেবে এই ঐতিহাসিক ভূলৰ সমাধান পাই মুছলমান সম্প্ৰদায় আগক আচাৰ अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा हमें ज्ञान बोल देना चाहिए वो ज्ञान है और मान्य न्यायालय में गया है मान्य न्यायालय स्वयं देख लें अगर वहां साक्ष्य हैं भौतिक साक्ष्य हैं शास्त्रीय प्रमाण होंगे अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे तो स्वाभाविक रूप से इस पर निर्णय होना चाहिए उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है हमने तो नहीं रखे ना वहां तो सुरक्षा है सेंट्रल फोर्सेज है उनके मुतवली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है त्रिशूल कैसे वहां बने हुए ज्योतिर्लिंग हैं प्रतिमाएं हैं पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो